राजधानी देहरादून की पटेल नगर पुलिस ने एक साल पुरानी घटना के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एक साल पहले आकाश ठक्कर ने अपनी पत्नी विधि ठक्कर को इंश्योरेंस के 60 लाख रुपए के लालच में अपने 4 साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से कत्ल कर दिया था और बड़ी ही सफाई के साथ बीमारी को मौत की वजह बता दिया था। आपको बता दें कि एक साल पहले विधि और आकाश का प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन कुछ ही समय बाद आपस में कहासुनी होने लग गई, जिसके चलते आकाश ने विधि को मारने की योजना अपने 4 दोस्तों के साथ बनाई। इसको लेकर आकाश ने अपने 4 दोस्तों को भी 4-4 लाख रुपए की सुपारी दी थी। आकाश के दोस्तों और आकाश ने विधि को धीरे धीरे नशीली दवाई देकर उसे अस्पताल में बेहोश कर दिया, फिर आधी रात में गला दबाकर विधि को मौत के घाट उतार दिया था। आकाश ने विधि को मारने से पहले उसका 60 लाख रुपए का बीमा करवाया था, जिसके बाद विधि की मौत के बाद वो उसे हड़पना चाहता था, क्योंकि आकाश ने खुद को विधि का नॉमिनी बनवाया हुआ था। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आकाश और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया और जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और जो आसपास के लोगों से बातचीत की गई, और बाद में फिर ये बात खुल के आई कि इनके द्वारा जो है कुछ दिनों पहले इसने एक 60 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस करा रखा था। इसके अलावा उसकी जो विधि ठाकुर, जो विधि ठक्कर जो थी यानी मृतका, उसके 16 लाख रुपए में से 9 लाख रुपए इसके अकाउंट में थे और उसकी बार बार मांग किया करती थी, जिसकी वजह से ये आक्रोशित हो गया था और उसको अपने रास्ते से हटाना चाह रहा था। और जिसमें ये जो 4-5 लोग जो शामिल हैं, पहले इन लोगों ने दवाई देकर उसको मारने का प्रयास किया और जब दवा देकर के मृत्यु नहीं हो पाई तो तकिए से उसके सांस रोक करके दम घोंट करके उसकी मृत्यु हो गई। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ अमित रतुड़ की रिपोर्ट।